माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दर के फार्मा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर आर बी डे नंबर एज एन आंसर ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा जैसे कि आई जी सी एल आई टी बी पी डी ट्रिपल एस बी प्रिजेंट डिपार्टमेंट भर्ती एज वेल एज आर आर बी फार्मासिस्ट एज वेल एज सी फार्मा एम्स फार्मासिस्ट आपका एविएशन में जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगी गॉट इट सो लेट्स गिट स्टार्टेड जो लोग चैनल पे नए हैं क्लास को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को भी प्रेस करना है एज वेल जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो फाइंड आउट करना है सर्च बॉक्स में आर के फारमा ग्रुप ओके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है आप फाइंड कर सकते हो गॉट इट नेक्स्ट जिनको बुक बाय करना है बुक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप बाय कर सकते हो फॉल फॉर सेल्फ प्रिपरेशन ओके नॉन टेक्निकल के बुक है एज़ वेल एज टेक्निकल के भी बुक है जिनको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ बेसिस पे आप कर सकते हो गॉट इट देन आपका कारागृह एग्जामिनेशंस के लिए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं फोर्टी क्वेश्चन नो निगेटिव मार्किंग मल्टीप्लाई बाय टू इच कैरी टू मार्क्स ओके कितने मार्क्स रहेंगे टू मार्क्स इच इच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स कितने का होगा एग्जामिनेशंस आपका एटी मार्क्स का कितने का होगा एटी मार्क्स ओके सो ठीक है बस यही क्वेश्चन है आपके माइंड में कि कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा कब होगा कब होगा वो तो मुझे पता नहीं है मान लेते हैं कि आफ्टर फिफ्टीन डेज़ या थर्टी डेज़ के बाद कभी भी आ सकता है गॉट इट क्योंकि रिज़ल्ट आके आपका लास्ट मंथ में भी आपका रिज़ल्ट आया था उसके बाद अभी क्वालिफाइड लोगों की लिस्ट आई है तो बे प्रोबाबली नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है आपका एग्जामिनेशन या फिर आफ्टर फिफ्टीन डेज़ भी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टेन यूर कम्प्लीट हुआ है ठीक है बहुत सारा टाइम लिया है इसने सो बिफोर दैट आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाना चाहिए कब सितंबर या अक्टूबर के आसपास आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए अगर जून जून में आपका रिजल्ट आया तो अगस्त में आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए बट देखते हैं अभी अगस्त में आता है या फिर सितंबर में आता है ठीक है नेक्स्ट जो लोग क्लास नहीं देखते हैं फिर मुझे मैसेज करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा टेक्निकल का एग्जामिनेशन कब होगा हम हमें तो टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम नहीं मिल रहा तो आप अपने हिसाब से पढ़ो ना मेरे से ओपिनियन लेके कुछ मतलब है क्या नहीं आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो ओके सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन तक ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन लास्ट देखा था हमने देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेवेंटी एट से इन द लास्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन ये था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर किस ईयर में पास हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट तो कब पास हुआ है नाइनटीन सेवेंटी वन ऑप्शन ए इज करेक्ट वन ओके सो अभी एक्ट एंड ईयर भी रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ सो द फर्स्ट एक्ट दैट इज़ 1948 फोर्टी एट नॉट अ फर्स्ट एक्ट हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्ट बोल रही हूँ नाइनटीन फोर्टी एट नाइनटीन फोर्टी में कौन सा एक्ट आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी में कौन सा एक्ट आया था नाइनटीन फोर्टी में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके बाद नाइनटीन फोर्टी एट में क्या आया था तो नाइनटीन फोर्टी एट में दो एक्ट आए थे द फर्स्ट एक्ट इज़ दैट फार्मोसी एक्ट

डेंजरस ड्रग एक्ट क्या आया था डेंजरस ड्रग एक्ट इन 1930 कौन सा एक्ट आया था डेंजरस ड्रग एक्ट 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 में फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट ओके 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट वॉट इट 1919 1990 में क्या आया था पॉइजन एक्ट क्या आया था पॉइजन एक्ट क्या आया था पॉइजन एक्ट गॉट इट उसके बाद 1970 में क्या आया था इन द ना ईयर ऑफ 1970 क्या आया था इसमें आया था इंडियन पेटेंट एक्ट क्या आया इंडियन पेटेंट एक्ट इंडियन पेटेंट एक्ट 1990 में क्या आया था पॉइजन एक्ट 1990 में क्या आया था पॉइजन एक्ट 1970 में आया इंडियन पेटेंट एक्ट क्या आया इंडियन पेटेंट एक्ट उसके बाद 1954 में क्या आया था इन द ईयर ऑफ़ 1954 क्या आया था कौन सा एक्ट आया था ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वन ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वन इन द ईयर ऑफ 1954 इन द ईयर ऑफ़ 1954 द ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट ऑज स्केम ओके कौन सा ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट इन द ईयर ऑफ़ 1954 उसके बाद 1955 में क्या आया था तो 1955 में आया था वो था मेडिकल मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन क्या था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन दैट इज़ एम टी पी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955 में क्या आया था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1971 में क्या आया था तो 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट देन 1994 में क्या आया था तो 1994 में आया न्यू ड्रग पॉलिसी क्या आया न्यू ड्रग पॉलिसी इन द ईयर ऑफ 1994 न्यू एक्ट कम दैट इज न्यू ड्रग पॉलिसी क्या आया था न्यू ड्रग पॉलिसी देन नेक्स्ट 1995 में क्या आया था तो 1995 में आया था दैट इज़ डी पी सी ओ क्या आया था डी पी सी ओ दैट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑट इट इन उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1985 1985 में क्या आया था तो 1985 में आया था दैट इज़

Move on to the next question. Question number 78. The chief use of neostigmine bromide is to treat. Chief use of neostigmine bromide is used to treat what? The first option is that myasthenia gravis. Second one diabetes. Third one hypertension. And the last one cardiac arrhythmiasis. So which is the correct one? The chief use of neostigmine bromide used to treat. तो क्या होता है ये होता है दैट इज ग्रेविस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हु कमेंट फ्रीक्वेंटली कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं तो जिनको लेवलअप करना है आप खुद से लेवलअप कर लेना जीपैट के क्वेश्चन पढ़ सकते हो नाइपर के क्वेश्चन पढ़ सकते हो जो आपके मन में आए आप पढ़ सकते हो गॉट इट सो आप अपने से खुद से अपना लेवल इंक्रीज कर दो चाहे क्वेश्चन आए या ना आए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हैं ऑलरेडी टाइटल में लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ठीक है आई होप ऑफ जितने भी लोग कमेंट करते हैं समझ गए होंगे जिनको नहीं पढ़ना है आप मत पढ़िए फोर्स नहीं है आपको किसी भी तरह का गट इट Next question, so the correct answer amara myasthenia gravis. The chief use of neostigmine bromide is to treat that is myasthenia gravis. Next question, question number 79, a suitable cath uh, cath cathartic to hasten the removal of poison from the body is? The first option is that magnesium citrate, second one magnesium sulphate, then sodium sulphate and the last? All of the above. Which is the correct one? So, this is magnesium citrate, magnesium sulphate, as well as sodium sulphate. The question is that suitable cathartic to hasten the removal of poison from the body that is magnesium citrate, magnesium sulphate, sodium sulphate. So, option D is the correct one that is all of the above. Next question question number 80. An example, uh, an example of gametocidal drug used in malarial a an example of gametocidal drug used in malarial using malaria so which is the example which one is the correct one the option are given here the first one curidine second one primaquine then paludrine and the last one none of the above

विजन के लिए कौन सा नर्व होता है द नर्व ऑफ विजन दैट इज ऑप्टिक नर्व क्या होती है ऑप्टिक नर्व ऑप्शन ए इज करेक्ट वन सो ऑप्टिक नर्व किसके लिए होती है ए होती है फॉर विजन किसके लिए होती है विजन ऑप्टिक होता है फॉर विजन के लिए ऑलफैक्ट्री किसके लिए होता है तो ऑलफैक्ट्री होता है फॉर स्मेल किस इसका फंक्शन क्या होता है ऑल फैक्ट्री नर का इसका फंक्शन होता है दैट इज स्मेल वैगस का फंक्शन क्या होता है तो वैगस का फंक्शन होता है दैट इज पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट ऑन ऑर्गन ऑफ थोरैक्स एंड एबडोमिन क्या होता है इसका फंक्शन पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स ऑफ थोरैक्स एंड थोरैक्स एंड सेकेंड वन एबडोमिन क्या होता है पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट ऑन ऑर्गन ऑफ द थोरेक्स एंड एबडोमिन दैट मीन डाइजेशन पे देन ऑडिटरी क्या होता है तो ऑडिटरी क्या होता है ऑडिटरी होता है फॉर हियरिंग क्या होता है हियरिंग ऑडिटरी का फंक्शन क्या होता है हियरिंग ऑडिटरी का मेन फंक्शन क्या होता है हियरिंग ऑडिटरी को और किस नाम से जाना जाता है ऑडिटरी को और किस नाम से जाना जाता है तो ये होता है दैट इज क्या होता है वेस्ट ट्यूबुलो क्या होता है वेस्ट ट्यूबुलो गॉट इट वेस्ट ट्यूबुलो कॉकलियर ये होता है ऑडिट्री का अनादर नेम इसका फंक्शन क्या होता है ऑडिट ऑडिट में भी नाम लिखा है ऑडिट्री मीन्स हियरिंग ऑडिट्री क्या होता है हियरिंग ऑप्टिक क्या होता है विजन ऑल फैक्ट्री क्या होता है स्मेल वेगस में क्या आता है डाइजेशन वाला पार्ट इफेक्ट ऑन द ऑर्गन ऑफ थोरैक्स एंड एबडोमिन हाइपोग्लोसल में क्या आता है ऑलरेडी ये टॉपिक कवर किया है हाइपोग्लोसल में क्या आता है तो हाइपोग्लोसल में आता है हाइपोग्लोसल का फंक्शन क्या होता है तो ये होता है दैट इज टंग मोमेंट क्या होता है टंग मोमेंट टंग की मोमेंट जो होती है किसमें आती है हाइपोग्लोसल में किसमें आती है हाइपोग्लोसल में सेकेंड वन फेशियल में क्या आता है फेशियल में क्या आता है तो फेशियल में आता है टेस्ट सलाइवरी सिक्रेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन क्या क्या आता है टेस्ट Salivary secretion and facial expression. Face में क्या आता है? Facial में क्या आता है? Taste आता है, salivary secretion आता है and facial expression आता है. Got it? The next one. Oculomotor में क्या आता है? Oculomotor में क्या आता है? तो oculomotor में क्या आएगा? Oculomotor का function होता है that is क्या इसमें होता है प्यूपिल साइज क्या होता है प्यूपिल साइज ये सर सारे क्या है क्रैनियल नर्व क्या है क्रैनियल नर्व एंड देयर फंक्शन ठीक है स्पाइनल एसेसरी में क्या आता है स्पाइनल एसेसरी का फंक्शन क्या होता है स्पाइनल एसेसरी तो इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ हेड शोल्डर एंड वॉइस क्या होता है हेड शोल्डर एंड वॉइस क्या होता है स्पाइनल एसेसरी में तो इसका मूवमेंट होता है हेड का शोल्डर का एज वेल एज वॉइस का एज वेल एज वॉइस का ठीक है उसके बाद ग्लोसो में क्या आता है ग्लोसो में क्या आता है तो इसमें आता है ग्लोसो में आता है ग्लोसो फारिंगनल फारिंगनल तो इसमें क्या आता है इसमें आता है दैट इज़ टेस्ट स्वेलोइंग सलाइवरी सिक्रीशन क्या आता है टेस्ट स्वेलोइंग सलाइवरी सिक्रीशन और किस में था टेस्ट सलाइवरी सिक्रीशन ये था फेशियल में टेस्ट सलाइवरी सिक्रीशन एज वेल एज था फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है देन उसके बाद वेगस भी हो गया ना आपका ठीक है तो ये सारे क्रैनियल नॉर आपको क्या करना है रिवाइज करना है क्रैनियल नॉर एंड देयर फंक्शन इसके प्रीवियस क्लासेस में भी इसके इसके बारे में डिस्कशन हुआ है देख लेना एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर विटामिन होता है फर्स्ट ऑप्शन इज दैट ब्लड ब्लड क्लॉटिंग सेकेंड वन पेलाग्रा थर्ड वन हीमोग्लोबिन एंड द लास्ट वन बोन्स सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन विटामिन के इज़ एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएटेड होता है तो ये होता है विथ ब्लड क्लॉटिंग किसके साथ होता है ब्लड क्लॉटिंग ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री ये क्वेश्चन अब आपको बताना है पॉइजन एक्ट कब आया था वॉज पास इन द ईयर पॉइजन एक्ट वॉज पास इन द ईयर ओके द ऑप्शन आर ईयर एटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन फोर्टीन नाइनटीन सेवेंटी वन विच वन इज द करेक्ट वन ये आपको बताना अभी. है अभी ठीक है सारे एक्ट एंड ईयर रिवाइज किए हैं तो आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फोर लीवर एक्स्ट्रैक्ट इज यूज एज अ लिवर एक्सट्रैक्ट इज यूज एज अ द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एंटी को सेकेंड वन हिमाटिनिक देन लास्ट वन ऑल ऑफ अबव एंड सी वन इज को एगुलेंट विच इज़ द करेक्ट वन लीवर एक्स्ट्रैक्ट इज यूज एज अ तो क्या होता है इसका यूज ये होता है दैट इज हिमाटिनिक क्या होता है हिमाटिनिक ऑप्शन बी इज करेक्ट वन लिवर एक्सट्रैक्ट इज यूज एज हिमाटिनिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव एन एंड डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर डिटेक्टिंग कॉर्नियल लीजन इज एंड ऑफार्मोलॉजिक डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर डिटेक्टिंग

option